हाय फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय चैनल दीपिका शॉपिंग लवर। वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ ये करवा चौथ मेकअप लुक। आई होप आपको ये लुक पसंद आए। अगर आपको ये लुक पसंद आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी स्किन को हाइड्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं NYBA का न्यूट्रलाइज़र यूज़ कर रही हूँ और इसको अच्छे से स्किन में मिक्स कर लूँगी ताकि मेरी स्किन हाइड्रेट हो जाए। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये ब्रो किट और इससे मैं अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी। किसी भी मेकअप करने से पहले आईब्रो फिल करना तो डेफिनेट बनता ही बनता है, बिना आईब्रो के मेकअप अच्छा नहीं लगता है। तो एक अच्छी सी शेप दे दूँगी अपने आईब्रो को। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा शेप मिल गया है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर और इससे मैं अपने आईब्रो को इन्हेंस करूँगी इस तरह से एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से, और इसको अपने आईलिड पे और आईब्रो के नीचे इस तरह से मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और अब मैं आईब्रो के ऊपर भी इस तरह से कंसीलर लगाऊँगी ताकि मेरी जो ब्रोज हैं वो काफ़ी उभर के आएँ। एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। इससे आईब्रो का जो मेकअप होता है वो बहुत ही उभर के आता है, बहुत ही क्लीन लगता है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्टे कुर्की का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर और इससे मैं अपने जो कंसीलर मैंने लगाया है उसको सेट कर लूँगी ताकि हम जो भी आई शेडो लगाएंगे तो उसमें क्रीज लाइन ना पड़े। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मोर्फी का ये जैकलिन आई शेडो पैलेट और इसमें से लाइट शेड लेके अपने क्रीज एरिया पे ब्लेंड कर लेंगे इसको अच्छे से एक ब्लेंडिंग ब्रश से। अब इसमें से येलो शेड ले रही हूँ मैं और क्रीज एरिया पे इसको इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी। अब इसमें से मैं ग्रीन शेड ले रही हूँ क्योंकि मेरे ड्रेस में ग्रीन शेड है, तो ग्रीन शेड को मैं इनर वी और आउटर वी पे और क्रीज लाइन पे इस तरह से लगाऊंगी। जब तक मुझे मेरा डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता तब तक मैं इसको ब्लेंड करती रहूँगी। अब इसमें से मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से ब्लू शेड लेके और अपने क्रीज पे इस तरह से और लिड पे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। थोड़ा डार्क शेड चाहिए क्योंकि मेरी ड्रेस का कलर भी थोड़ा डार्क है तो इसलिए मैं डार्क शेड लगाऊंगी। अब मैं यहाँ पे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से और लिड पे इस तरीके से कंसीलर से थोड़ा सा लिड डिफाइन करूँगी इस तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा बीच में लगाएंगे और इसमें से ये वाला शिमरी शेड लेके और ब्रश की हेल्प से इस तरह से लगा लेंगे अपने लिड पे। उसके बाद मैं बैट एंड वाइल्ड का ये स्केच लाइनर यूज़ करूँगी और इससे एक विंग लाइनर बनाऊँगी इस तरीके से, थोड़ा सा लॉन्ग विंग बनाऊँगी मैं इसी तरह से लाइनर लगाती हूँ और मतलब आउटर वी से जो स्टार्ट करते हैं उस तरह से लाइनर मुझे लगाना नहीं आता, मुझे इसी तरह से लगाना आता है। अब मैं अपने आई लैश पे मस्कारा लगाऊँगी, ये भी बैट एंड वाइल्ड का मस्कारा है, काफ़ी अच्छा मस्कारा है। अब इसके बाद मैं पल्सेस लगा रही हूँ। ये पल्सेस मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी, सॉरी गाइस, इस टाइम पे लाइट चली गई थी थोड़ी तो इसीलिए थोड़ा सा इस तरह से शेड आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे स्टे कुर्की का प्राइमर लगा रही हूँ और अच्छे से पूरे फेस पे लगा लेंगे ताकि जो पोर्स हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएँ और मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे और जो मैं फाउंडेशन भी लगाऊं तो उसमें क्रीज ना बढ़े। अब मैं यहाँ पे स्टे कुर्की का फाउंडेशन लूँगी और इसको पूरे फेस पे डैब डैब करके इस तरह से पॉइंट पॉइंट करके लगाएंगे, फिर स्पॉन्ज से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे तो आपके मेकअप में क्रीज लाइन पड़ सकती है। तो इसीलिए आप देख सकते हो कितना अच्छा कवरेज देता है ये फाउंडेशन, काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, काफ़ी अफोर्डेबल भी है, आपको 50% डिस्काउंट पर आराम से purple.com पर ये मिल जाता है। मुझे ये purple.com से 200-250 के समथिंग का कुछ मिला था ये, तो इस रेंज में तो बहुत अच्छा फाउंडेशन है, वरना इतना हाई कवरेज आपको कोई भी फाउंडेशन 200-250 की रेंज में नहीं मिलेगा। अब इस तरह से नेक पे भी इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे मैं
कंसीलर लगाऊंगी अपने अंडर आई पे, अपने हाइलाइटेड पॉइंट पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दाग धब्बे नहीं है फेस पे, तो इसीलिए मैं बहुत थोड़ा सा लगा रही हूँ। अगर आपके स्पॉट ज़्यादा है तो फिर आप थोड़ा सा अच्छे से लगा सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इस तरीके से मैं स्पॉन्ज की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लूँगी और इसको अपने अंडर आई पे इस तरह से लगाऊंगी और पूरे फेस पे भी अप्लाई करूँगी। अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे। अगर आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो आप कॉम्पैक्ट की जगह आप ट्रांसल्यूसेंट पाउडर या बनाना पाउडर आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आपका जो मेकअप है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अब इस तरीके से पूरे नेक पे मैं लगा लूँगी। अब इस तरीके से पूरे फेस पे लगाने के बाद अंडर आई पे जो मैंने लगाया था उसको मैं क्लीन कर दूँगी इस तरीके से एक मिनट के बाद। तो अब मेरा बेस रेडी हो चुका है गाइस। अब मैं अपने लोअर लैश लाइन के नीचे ब्लू आई शेडो स्मच कर लूँगी इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ ग्लैम 21 का ये हाइलाइटर पैलेट और इसमें से हाईलाइट वाइट कलर का मैंने हाइलाइटर शेड लिया है और इससे अपने इनर कॉर्नर्स को और ब्रो बन के नीचे इसको इस तरह से मैं लगा लूँगी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये NYV का काजल है, माइंड ब्लोइंग काजल है गाइस, काफ़ी अफोर्डेबल है, आपको 60 और 70 के समथिंग ये मिल जाता है डिस्काउंट में और बहुत ही अच्छा वाला काजल है ये, स्मच प्रूफ है। अब यहाँ पे मैं बादी हर्बल्स का ये लिप बाम ले रही हूँ और इससे अपने लिप्स को हाइड्रेट कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं शिवाना का ये अल्ट्रा ब्रश पैलेट ले रही हूँ और इसमें से मैं ये कंटूर का शेड लेके अपने फेस की कंटूरिंग कर लूँगी इस तरीके से। अच्छे से पूरे फेस की नेक की और अपने नोज़ की फॉरहेड की कंटूरिंग कर लूँगी मैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो, स्किप कर सकते हो इस स्टेप को। अब इसमें से मैं ये वाला ब्लश शेड लेके अपने चीक्स पे ब्लश लगाऊंगी। अब मैं अपने चीक्स पे हाइलाइटर लगा रही हूँ इस तरीके से। हाइलाइटर लगाना बहुत ही अच्छा लगता है, इससे एकदम स्किन आपकी शाइन करने लगती है और काफ़ी अच्छा सा लुक आ जाता है आपके फेस पे। तो इस तरीके से मैं हाइलाइट कर लूँगी अपने फेस को। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्टे कुकी का ये मेकअप सेटिंग स्प्रे और उसको स्प्रे करने के बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने डैप कर लिया है। अब यहाँ पे मैं ये लिप कलर ले रही हूँ, ये मैंने अपनी लोकल मार्केट से ही ली थी, शायद किस ब्यूटी के ये लिपस्टिक है और इसका कलर बहुत प्यारा है। आप कोई सा भी शेड लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको पसंद हो। तो इस तरीके से लिपस्टिक लगा लूँगी। फ्रेंड्स दैट्स माई फाइनल लुक, आई होप आपको ये लुक पसंद आए। मैंने यहाँ पे ज्वेलरी कैरी की हुई है और इस तरह से दुपट्टे को कैरी किया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलिए मैं चलती हूँ, मिलूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल।